नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में होगा बंदरों का आतंक कम, बंदरों को पकड़ने के लिए नगर परिषद को मिली वन्य विभाग से एनओसी, नगर परिषद जल्द करेगा टेंडर जारी। व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम हुआ आयोजित, कॉलेज छात्राओं को किया गया जागरूक। घने कोहरे और हल्का बूंदाबांदी होने से फिर बढ़ी ठंड, सूर्य देव ने दिए दिन में दर्शन। सीएमओ आवास की जगह बनेगा ट्रेनिंग सेंटर और रेस्ट हाउस, दिए गए दिशा निर्देश। छात्रों ने किया सीएए के समर्थन में प्रदर्शन, अनेक कॉलेजों में पहुंचकर किया छात्रों को जागरूक। गांव बिरण के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से, न्याय की लगाई गुहार। पीने के पानी की लीकेज को लेकर क्षेत्रवासी हुए परेशान, लाखों लीटर पानी बह जाता है व्यर्थ। और अब खबरें विस्तार से। बंदरों के आतंक से परेशान होकर जब नगर वासियों ने बार बार नगर परिषद से गुहार लगाई तो आखिर इस ओर ध्यान दिया गया। नगर परिषद ने एक बार फिर से कमर कसी है बंदरों को पकड़ने के लिए और वन्य विभाग से उन्हें एनओसी भी मिल चुका है। अब जल्द ही इसके लिए टेंडर छूटने के बाद इन्हें पकड़ने का कार्य शुरू होगा और लोगों को इससे आराम मिलेगा। पिछले कई वर्षों से शहर भर में बंदरों का आतंक बना हुआ था। कई दिनों से बंदर के काटने और बंदरों के द्वारा हमला करने की खबरें भी निरंतर मिल रही थी तथा हर गली और सार्वजनिक स्थान पर भी बंदरों का आतंक फैला हुआ था। नगर परिषद ने इनको पकड़ने के लिए खाका भी तैयार किया था, लेकिन वन्य विभाग की एनओसी न मिलने के कारण टेंडर की औपचारिक घोषणा न हो सकी। अब गौरतलब ये है कि नगर परिषद ईओ दीपक ने बताया कि वन्य विभाग की एनओसी मिल गई है और नगर परिषद अब 2000 बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर का नोटिस जारी किया है। अब जल्द ही बंदर पकड़ने वालों से बातचीत करके नगर परिषद इस कार्य को मार्च तक पूरा करेगी और जल्द ही शहरवासियों को बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। अभी जो लास्ट हाउस की मीटिंग हुई हमारी 24/12 को, उसमें हाउस ने प्रस्ताव पास किया था कि लगभग 2000 आतंकी बंदरों को पकड़ने के लिए मंजूरी दी थी हाउस ने। उसके बाद हमने वन विभाग को लिखा था उन्हें पकड़ने की परमिशन के लिए, वो हमारे पास लास्ट वीक आ चुकी है 2000 बंदरों को पकड़ने की। अब टेंडर कॉल करना है, वो इस महीने हम टेंडर लगा देंगे 21 दिन का। उसके बाद डीसी साहब से मंजूरी ली जाएगी, जो भी हमारे पास बिड आएगी उनकी, जो भी लोवेस्ट बिड होगी, जैसे ही डीसी साहब से मंजूरी मिल जाएगी काम शुरू करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है पूरी कि फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में काम शुरू हो जाएगा बंदरों को पकड़ने का। व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत बुधवार को रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय आदर्श महिला महाविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 से 24 जनवरी तक मनाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर छात्राओं को करियर संबंधित जानकारी दी और उनका उचित मार्गदर्शन भी किया। बुधवार को नगर के आदर्श महिला महाविद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज छात्राओं को उनके करियर संबंधी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। 20 से 24 जनवरी तक रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा मनाए जा रहे व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर छात्राओं को जागरूक किया और करियर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान कॉलेज छात्राओं ने भी ध्यान से सुनकर व समझकर अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य ने भी सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम कराया है, जहाँ पे हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, राज आलमपुर जी जो एक बेहतरीन करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, और हमने बुलाए हैं अमित कुमार वालिया जी जो कि सर्कल हेड है HDFC बैंक के। तो यहाँ पे आदर्श महिला विद्यालय में हमने यहाँ पे ये बच्चों को बुलाया है, इकट्ठा किया है ऑडिटोरियम में, और इनको बताया जाएगा बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि वो बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से एंटर करें और किस तरह से क्या बेनिफिट्स हैं बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने के लिए। खासकर युवाओं को लेके डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने एक बात सोची है कि यदि उन्हें ठीक से जागरूक कर दिया जाए, यदि सही समय पर उन्हें समझ मिल जाए तो जीवन में ऐसा जोश कहीं काम आ सकता है। तो एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन इन्होंने किया है और काफ़ी कुछ संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं और इतना अच्छा तरीके से उन्होंने सुना है कि ऐसा लग रहा है कि जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही अपने माँ बाप का और अपने सोसाइटी में अपने नाम का और अपने टीचर्स का और माँ बाप का सबका मिला के बहुत अच्छे स्तर पर वो लेके जाएंगे।
स्कूल की इस कॉलेज की तरफ से जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोज़गार के बारे में जानना चाहते हैं, कल को भविष्य में वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ये बड़ा अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है। और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और कॉलेज के भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टूडेंट्स को मौका मिला है आज के टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चों को समय रहते सही अवेयरनेस हो जाती है तो वो अपने करियर को लेके कॉन्शियस रहते हैं और साथ ही साथ जो उनका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो कॉलेज प्रशासन ने बड़ा अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर लगाया है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। घनी धुंध, हल्की बूंदाबांदी और फिर तेज धूप का नज़ारा, ये रहा बुधवार का मौसम का सिलसिला। दो तीन दिन तक सूर्य देव द्वारा आँख मिचौने के बाद दोपहर के समय तेज धूप निकलने से लोगों को विशेष राहत मिलती है। घनी धूप का लुत्फ उठाकर लोगों को तेज ठंड से राहत का एहसास भी हुआ। मौसम हर रोज करवट ले रहा है। बुधवार को भी अल सुबह से ही घना कोहरा बना रहा। हालात ये थे कि सुबह के समय विजिबिलिटी 5 मीटर ही थी। सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे ठंड भी बढ़ गई और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। लेकिन दोपहर होते होते धूप खिली और ठंड से लोगों को राहत मिली। लोग घरों से बाहर निकले और धूप का आनंद लेते देखे गए। लोगों की माने तो ऐसे मौसम तथा बारिश से किसानों की फसलों को बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं राजेश कुमार है, गांव चांग से देवसर जाता हूं। धुंध की वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत ज़्यादा बार बार एक्सीडेंट होने की वजह से बच्चे फंस रहे हैं और रोज़गार में भी बहुत काफ़ी कमी आ रही है। टाइम से दुकान खुलती, शाम को भी लेट जाते हैं, इसलिए रात वाली बहुत परेशानी होती है। रात को धुंध है और इसमें फसलों में के लिए फायदा ही है, ज़्यादा धुंध पड़ेगी तो फिर एकदम पानी की कमी किया पूरी हो जाएगी। मेरा नाम हरवंश लाल है जी, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मैम रोड पे मेरी दुकान है और धुंध की वजह से बहुत परेशानी है। काम धंधे है नहीं, रोज़गार चल नहीं रहा, कस्टमर घर से नहीं आ रहे, घर से भी लेट निकला जा रहा है, धुंध की बहुत परेशानी है। ठंड ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, सुबह मगर आ जाता है ना जाता है ना, कोई कस्टमर आता और दुकान पर भी काम चल रहा है, उससे फिर है काम बिल्कुल ठप है। चांग से आता हूँ और रास्ते में आते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है धूप के कारण, बाकी सब ठीक है, कई बार बच जाए है जान मारी। चौधरी बंसीलाल अस्पताल में आने वाले प्रशिक्षुओं के लिए अब विशेष राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर और विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। यहां आने वाले अतिथि या प्रशिक्षुओं के लिए सीएमओ आवास की जगह ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और उनके विश्राम के लिए उचित व सस्ते चार्जेस पर रहने के लिए एसी रूम्स भी उपलब्ध होंगे। जिला सामान्य अस्पताल में स्थित सीएमओ आवास की जगह अब ट्रेनिंग सेंटर और रेस्ट हाउस बनेगा। ये कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब जो भी अतिथि या फिर ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनको एसी रूम के लिए 200 रुपये और नॉन एसी रूम के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। साथ ही छुट्टी के दिन सीएमओ भी वहां बैठेंगे। जिला सामान्य अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि जल्दी ही ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएमओ कृष्ण कुमार ने बुधवार को भवन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और डॉक्टर निकिता को इसका इंचार्ज दिया। वहीं डॉक्टर निकिता ने बताया कि ये भवन काफी टाइम से बंद पड़ा था, लेकिन अब डिप्टी सीएमओ के आदेश से इस भवन में ट्रेनिंग सेंटर और रेस्ट हाउस बनाया जाएगा और इसके रख रखाव के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएंगे। लॉजिस्टिक सेंटर है जिसमें हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो उसके लिए है ये बेसिकली, लेकिन अब इसमें लगभग 10 के करीब कमरे हैं तो इसको हम एक हिसाब से रेस्ट हाउस या ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना चाहेंगे जिसमें की बाहर से कोई ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं या कोई बाहर से हमारे अधिकारी गण आते हैं तो उनको हम ठहराएंगे, जिसका किराया हमने फिक्स किया है 200 रुपये एसी का और 100 रुपये नॉन एसी का। 10 कमरे हैं जिसमें हम ठहरा सकते हैं और इसके सिवाय हम इसमें एक कैंप ऑफिस भी बनाने जा रहे हैं ताकि इसमें पूरी तरीके से सीएमओ साहब जो हैं वो यहाँ बैठें और अपने ऑफिशियल कार्रवाई को भी अंजाम दें, ताकि कोई छुट्टी वाला दिन है तो उसके हिसाब से कैंप ऑफिस इसको हम बनाने जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने नगर के अनेक महाविद्यालयों में पहुंचकर वहां उपस्थित युवा वर्ग को जागरूक किया और कहा कि चंद लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं और इस बिल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग उन्होंने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज छात्रों ने सीएए के समर्थन में शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर आज देश के युवा वर्ग को जागरूक करने की जरूरत है और वे यही काम कर रहे हैं।
इसके समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शहर के विभिन्न कॉलेजों में पहुंचकर युवाओं को जागरूक किया और कहा कि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं और देश का नुकसान करना चाहते हैं। छात्रों ने बताया कि आज उन्होंने जिले भर में छात्रों को जागरूक किया है और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। आज हमने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि जो सीए का बिल सरकार द्वारा पारित किया गया है वो भारत के हित में है, देश हित में है, समाज हित में है। उस पर कुछ लोग गलत बातें फैला करके हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में विद्यार्थी परिषद ये कहती है कि जो राष्ट्र की संपत्ति को नहीं बता सकता वो कभी भी इस देश का नहीं हो सकता, और जो इस देश का नहीं हो सकता वो स्पष्ट शब्दों में देशद्रोही है। ऐसे लोग जो देश के हित के लिए काम नहीं करते वो स्पष्ट रूप से देशद्रोही है, और ऐसे ही लोग इस बिल के विरोध में लगे हुए हैं। यह बिल किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है जो भ्रम फैलाया जा रहा है, न रोजगार छीनने के लिए है, ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में बता चुके हैं। ये के समर्थन में भिवानी में एबीवीपी ने अपना जो ज्ञापन दिया है वह ये है कि पूरा देश जो है सरकार के इस फैसले के साथ है। सीएए भारत में एक बहुत ही इस टाइम जरूरत थी। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये सबको नागरिकता देता है, लेता किसी की भी नहीं है, और ये जो विपक्षी दल हैं और अन्य दल हैं और जो भारत को आगे नहीं लेके जाना चाहते वो भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम को मिटाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने यहाँ पर डीसी को ज्ञापन दिया कि भाई ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उसे दूर करें, लोगों में जागरूकता पैदा करें। जिले के गाँव बीरन में एक व्यक्ति द्वारा महिला से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। गांव से लघु सचिवालय परिसर पहुंचे ग्रामीणों का कहना था कि गांव के ही एक युवक द्वारा एक विवाहिता से बदनीयती से छेड़छाड़ का मामला करीबन 15 दिन पहले तोशाम थाने में दर्ज करवाया गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। बुधवार को गांव बीरन के ग्रामीण गांव के एक व्यक्ति द्वारा गांव की ही महिला से छेड़खानी किए जाने की शिकायत लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बीरन की एक विवाहिता ने गाँव के ही युवक पर छेड़खानी और बदनीयती करने के आरोप लगाए हैं। विवाहिता ने बताया कि वह 6 जनवरी को अपने खेत में चारा लेने गई थी कि वहीं अचानक गांव का ही एक युवक आ पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उन्होंने तोशाम थाने में भी की थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना किए जाने से नाराज गांव के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मेरा नाम पिंकी है जी। 6 तारीख की घटना थी जी, और एसपीसी मिलने आए थे जी। 3 दफा एसपीसी मिल भी चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मैं खेत में घास लेने गई थी तो पीछे से हरकत करी उसने, कपड़े फाड़े, बलात्कार करने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई तो मारने की भी धमकी दी। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय के सामने बने नेकीराम पार्क के गेट के पास पानी की लीकेज आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आसपास के रेहड़ी चालक एवं अन्य लोगों ने अनेकों बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग में की है, मगर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले काफी समय से नेकीराम पार्क के सामने पीने के पानी की पाइपलाइन लीक हो रही है और जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 1 महीने से इसे कोई ठीक करने नहीं आया है और पीने का पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। पाइपलाइन लीकेज की वजह से जहां एक ओर पानी तो व्यर्थ बह रहा है, वहीं साथ ही ये पानी फुटपाथ और सड़क पर भी जमा हो जाता है, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। खराब है, प्रशासन इसको कार्रवाई घाट कर लेगी। भाई साहब, इससे क्या हुआ कि 1.5 महीने से करीब ऊपर सारे परेशान हो रहे हैं, ठेली वाले, रेहड़ी वाले, दुकान वाले। ये रोड पे है ना खतरा बना रहता है, कई बार तो है ना या बाइक गिर चुकी है, कईयों की चोट लग चुकी है। इसके बारे में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, और 2-3 बार कंप्लेंट से बात भी की कि भाई साहब क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं करते, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी कहाँ से बचते हैं। शाम को जैसे पाइप खुलते हैं ना लीकेज पूरा। यह सप्लाई की पाइपलाइन है भाई साहब, इसने तकरीबन 1 महीना हो गया, ज़्यादा भलाए हो गया हो लेकिन कम होया तो नहीं है। रोज़ 4 बजे पानी स्टार्ट हुआ है और 2 घंटे 1.5 घंटे पानी चल रहा है। पूरा नू लगा लो रोड तो ही पानी पहुँच गया है। या आप नीचे दिखा सको, हमने नीचे वो कर रखी है कि भाई उरली का नहीं पानी ना हो। एक दो बार उरे एक प्रधान था, उरे चप्पल बेचा करता, उसने कंप्लेन करी है। बोले भाई मैं कह के आया हूँ, किसी ने सुनवाई करे को नहीं। पानी का चक्कर में तो 15 दिन मैंने छुट्टी करनी पड़ी, 15-20 दिन। मनो खराब है ये लाइन, पानी वाली लाइन है,
और आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियों में ठीक नहीं करके दे रहे, 3 महीनों से परेशानी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शहर में होगा बंदरों का आतंक कम। बंदरों को पकड़ने के लिए नगर परिषद को मिली वन्य विभाग से NOC। नगर परिषद जल्द करेगा टेंडर जारी। व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम हुआ आयोजित, कॉलेज छात्राओं को किया गया जागरूक। घने कोहरे और हल्का बूंदाबांदी होने से फिर भारी ठंड, सूर्य देव ने दिए दिन में दर्शन। CMO आवास की जगह बनेगा ट्रेनिंग सेंटर और रेस्ट हाउस, दिए गए दिशा निर्देश। छात्रों ने किया CAA के समर्थन में प्रदर्शन, अनेक कॉलेजों में पहुंचकर किया छात्रों को जागरूक। गांव बीरन के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से, न्याय की लगाई गुहार। पीने के पानी की लीकेज को लेकर क्षेत्रवासी हुए परेशान, लाखों लीटर पानी बह जाता है व्यर्थ। हमारे इस संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।